उज्जैन के बड़नगर नगर पालिका परिषद के सभा हॉल में एक बैठक आयोजित की गई। इस बड़नगर की एसडीएम नवागत निधि सिंह, थाना प्रभारी, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और शहरवासी भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने आने वाले कार्यक्रमों पर और निकलने वाली सवारियों पर चल समारोह पर चर्चा की और कहा कि भीड़ न हो, मार्ग परिवर्तन कर छोटे स्वरूप में निकालेंगे चल समारोह और सवारियां। वहीं पर शहरवासियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। गंभीर महामारी कोरोना वायरस के चलते भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई और चर्चा की गई शहरवासियों के साथ। बैठक थी, किन किन विषयों को लेकर चर्चा होना थी और फिर क्या डिसीजन हुआ? देखिए, आज ये शांति समिति बड़नगर की बैठक थी और शहर के सारे सभी संप्रदाय के सभी वर्ग के सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ बैठक में उपस्थित थे, जिसमें अभी वर्तमान में श्रावण मास में जो भगवान भोलेनाथ की सवारी शहर में निकलती है अलग अलग मंडल की, उसके विषय में सारे मंडल के प्रतिनिधि भी थे। प्रशासन ने कोई कोरोना गाइडलाइन के विषय में जो प्रशासन की गाइडलाइन, उससे सभी को अवगत कराया, लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान में उस गाइडलाइन का पालन कराना भी हमारा कर्तव्य है और हमारी धार्मिक परंपराओं को भी जीवित रखना ही हमारा कर्तव्य है। तो सभी लोगों ने ऐसा आग्रह किया, इस दोनों के बीच में जो रास्ता निकल सके, जो सर्व सुविधाजनक हो, कोरोना गाइडलाइन के पूर्णतः पालन करने वाला हो, उस पर सबको अमल करना चाहिए। कुछ सुझाव सभी लोगों ने प्रशासन को दिए हैं, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि आगे आने वाले रविवार और सोमवार से जो कार्यक्रम फिर से शुरू होंगे, उसमें लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत न होगी और परंपराएँ जीवित होगी, यही हमारा पुनर्विश्वास है। बैठक होना थी शेड्यूल को लेकर और भीड़ नियंत्रण को लेकर किस प्रकार से बैठक आयोजित थी, क्या निर्णय लिया गया? आज शांति समिति की बैठक हुई। आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं हर समुदाय के, उसको मद्देनजर रखते हुए, तो उसमें कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो ताज़िया निकलेगा या फिर सवारी निकलेगी वो मंदिर या मस्जिद के परिसर के आसपास 50-100 मीटर के दायरे में निकलेगी और उसमें कम से कम लोग रहेंगे, 5 से 10 लोग रहेंगे वहाँ पर, जो कि मंदिर और मस्जिद से होंगे। पब्लिक का कोई वहाँ पे आदमी नहीं होगा और अभी हमने टाइम लिमिट आधा घंटा डिसाइड की है कि आधे घंटे में ही ये भी जो भी सांकेतिक रूप से कार्यक्रम होगा इसको पूर्ण कर लिया जाए। ये व्यवस्था इसलिए की है ताकि परंपरा भी बनी रहे, लोग त्यौहार भी ठीक से मना सकें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी हो सके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।